हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हैप्पी जगरी या फिर हैप्पी अहोई अष्टमी। आज तो वही बहुत ही ज़्यादा स्पेशल फेस्टिवल है। आज के दिन क्या है ना, जो मम्मी होती हैं, मम्मी माँ या फिर मम्मा जो भी आप बोलते हो, वो अपने बच्चों के लिए फास्ट करती हैं ताकि वो हमेशा हेल्दी रहें और खुश रहें। ये बिलीफ होता है ना, माना जाता है, तो हम हमारे कल्चर को फॉलो करती आई हैं। बहुत ज़रूरी है अपने कल्चर को फॉलो करना। और ये जो फेस्टिवल है ना, ये कार्तिक के महीने में आता है, करवा चौथ के कुछ दिन बाद आता है ये फेस्टिवल। करवा चौथ में क्या होता है ना, हम चांद देखकर व्रत खोलते हैं और इसमें तारा देखकर व्रत खोलना होता है। तो आज मेरी मम्मी का भी फास्ट है और आपको पता है आज मेरा बर्थडे भी है। दो बर्थडे आते हैं मेरे। आज मेरा फर्स्ट बर्थडे है, पता है कैसे? जिस दिन मेरा बर्थ हुआ था ना, 31 अक्टूबर 1999। अब आप मेरी एज कैलकुलेट कर रहे होंगे, है ना? चलो फिर कमेंट करके बता दो मेरी एज। तो जिस दिन मेरा बर्थ हुआ था ना, उस दिन ये फेस्टिवल भी था और उस दिन मम्मी का फास्ट भी था। तो उस हिसाब से एक बर्थडे आज है मेरा और एक 31 अक्टूबर को है। तो आज के दिन मेरी मम्मी क्या करती है ना, ये देखो भाई, ये दो लोटे होते हैं, एक बड़ा सा है ये, एक छोटा है। इसमें ना पानी भर के रखते हैं ढक के, और इसके ऊपर ना ये धागा बांध देते हैं, फिर इसके ऊपर स्वास्तिक बना देते हैं। स्वास्तिक जो होता है वो बना देते हैं कुमकुम के साथ, जो टिक्का होता है ना उसके साथ स्वास्तिक बना देते हैं। ये छोटे वाला लोटा है मेरा, इसको पानी से भर के रखती है मम्मी। आपको पता है ये पानी ना, अब दिवाली तक ऐसे ही रखना होता है ये पानी। फिर ये आपको ग्रीन सा दिख रहा है, ये दूब कहते हैं इसको, घास होती है, ये घास रखते हैं जो हम पूजा करेंगे ना उसमें ये यूज़ होती है, रखनी होती है मतलब उसमें। ये हमारी बुक है, इसमें अहोई माता की जो व्रत की कथा है वो पढ़नी होती है, उसी को पूजा बोलते हैं, वही करनी होती है। तो इसके बाद ये जो आपको दिख रही है ना, ये माला है, ये चांदी की माला होती है। ये ना हमने जो पानी के लोटे भर के रखे हैं ना, उनके ऊपर थोड़ी देर के लिए बांधनी होती है जब तक हम पूजा नहीं करते। उसके बाद ना इसको हम बच्चों के गले में डाल देते हैं, तो फिर वो सारा दिन बस ये डाल के घूमते रहते हैं। मतलब जब हम छोटे थे तब की बात, अभी तो हम बड़े हो गए हैं, तब हम ऐसे करते थे। अभी भी मैं तो डाल के बैठ जाती हूँ, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो यही करती हूँ। अब आपको पता है इसको झकरी बोलते हैं, तो झकरी का मतलब क्या है, हमने ना यहाँ पर झकरी भरनी होती है। झकरी भरना क्या होता है, एक हम झकरी लेते हैं। अब जैसे हमने एक बर्तन ले लिया है ना, इसमें हमने झकरी भरनी होती है, मतलब कि बच्चों के खाने पीने की चीज़ें भरनी होती हैं, जो भी उन्हें पसंद है वो। तो मम्मी क्या करती थी ना बचपन में, हमारी जो भी फेवरेट चीज़ें होती थी ना खाने की, जो भी होता था, तो वो सब इसमें भर देती थी। तो फिर झकरी को भरने के बाद, ये सब इसमें डालने के बाद, इसको ना ढक के रख देते हैं। और फिर इसके बाद हम पूजा करते हैं, पूजा करते हैं। जब तक हम पूजा नहीं करते तब तक हम ये सब नहीं दे सकते बच्चों को। तो हम ना बचपन में भुखड़ों की तरह इंतज़ार करते थे कब जल्दी से पूजा हो, पूजा ख़त्म हो और फिर हम सारा कुछ चट कर जाएँ। तो अभी हम चकरी को ढक के ना, ये जो पानी के लोटा हमने भर के रखा था बड़े वाला, इसके ऊपर रख देंगे। और फिर हमने जो आपको माला दिखाई थी ना चांदी वाली, वो इसके ऊपर हमने डाल देनी होती है। जब तक हम पूजा नहीं कर लेते तब तक इस पे डालनी होती है, ये मतलब बांधनी होती है। तो ये हमने बांध दिया, मम्मी ने बांध दिया। और मम्मी ने आज मुझे बहुत डांटा है, पता है? मतलब मम्मी भी लाइक कि तू हर चीज़ में अपना कैमरा घुसा दे और हमें श्रद्धा भक्ति से कुछ करने ना दियो। मतलब ऐसे कोई करता है क्या? पता है क्या, एक तो मैंने कुकिंग कर करके मम्मी को गुस्सा दिला रखा है, तो एक चीज़ बनानी नहीं होती। और मेरी तो आदत है, हज़ारों बर्तन सिंक में हो जाते हैं एक चीज़ बनाने में, और फिर वो सारे बर्तन ना मम्मी को साफ़ करने पड़ते हैं, इसलिए गुस्सा आ जाता है। और हम समझते हैं और हमें बुरा भी नहीं लगता क्योंकि हमें आदत हो चुकी है। अब यहाँ पर हम पूजा करते हैं। यहाँ पर ना हमने एक चादर बिछा दी है नीचे, फिर ये प्लेट सी तैयार करी है। इसमें क्या है, एक हमने धूप पत्ती जलानी होती है, और ये जो हरी हरी सी आपको घास जैसी दिख रही है इसे धूप बोलते हैं। घास ही होती है ये, लेकिन इसे धूप बोलते हैं, धूप। और फिर यहाँ पे धागा है जो हाथ पे बांधते हैं, फिर यहाँ पे कुमकुम है जो माथे पे लगाते हैं, और फिर माचिस है जलाने के लिए धूप बत्ती को। और ये हमने बुक रखी हुई है जिसमें से हमने ये जो है स्टोरी जो होती है अहोई अष्टमी की, जो कथा होती है वो पढ़नी होती है। और एक
लोटा रखा हुआ है जल का भर के, पीतल का लोटा है ये, इसमें पानी भर के रखा हुआ है। तो इसको बाद में जल को मम्मी जो है ना वो सूरज को अर्घ दे देती हैं पूजा के बाद। तो अभी धूप बत्ती जला देते हैं हम, उसके बाद जो बुक में आई हुई अष्टमी की कथा होती है वो पढ़नी होती है, फिर उसके बाद वो जो माला है ना चांदी की वो बच्चों के गले में डालनी होती है, तो ये मैंने खुद अपने गले में डाल ली। और फिर इसके बाद बारी आ गई खाने की, वही ये पूजा करने के बाद जकरी में जो हमने सामान भरा होता है वो बच्चों को दे देते हैं। तो यहाँ पर ये पहला ही निवाला था मेरा जो नीचे गिर गया, मतलब किस्मत ही इतनी ख़राब है, फिर भी मैंने इसको जय करके उठा के खा लिया। तो ये ही था सब, मैंने सब तो नहीं खाया, इतना खाया ही नहीं गया, पता नहीं बस मन करता है खा लें पर फिर खाया नहीं जाता जब खाने बैठते हैं। तो फिर रात को मम्मी जो है खाने की तैयारी करती है, उसमें हमने बनाने होते हैं छोले, पूरी, हलवा और रायता, बूंदी का रायता, और ये पूरी का आटा है ये मम्मी ने बना के तैयार भी कर दिया। और मेरे को इसमें 100 रुपये मिले, ये ना बायना निकालना होता है, बायना समझते हो, बायना निकालना होता है, मतलब इसको, मतलब ना इसको 3 बार पानी से मिनसना होता है और इसका मत्था टेक लेना होता है, और इसमें पैसे मिलते हैं, 100 रुपये मिले मेरे को। और ये सब मैंने खा पी के ख़त्म कर दिया। अब मम्मी तो भाई जब तारा निकलेगा उसको अर्घ दे के ही खाती है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट आवर फेस्टिवल। अगर आपको अच्छा लगा तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और अगर आप ही ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं तो फिर कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आप ऐसे ही सब कुछ करते हो। फिर मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, खुश रहें, और हैप्पी जकरी।